लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस राजस्थान में लोक संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया ताकि कार्यकर्ता निराशा के भाव में ना चला जाए, और इसी के चलते आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़े। कांग्रेस लोक संपर्क अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर ये भी पता लगाएगी कि लोकसभा चुनाव में 25 सीटें हारने के पीछे आखिर कारण क्या रहे, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। बताया जा रहा है कि 10 जून के बाद इस अभियान का श्री गणेश हो सकता है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि लोक संपर्क अभियान ब्लॉक स्तर पर शुरू किया जाएगा, और इसी के जरिए प्रदेश के सभी जिलों, पार्टी में शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और साथ ही विधायक जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करेंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस लोक संपर्क अभियान में शिरकत करेंगे। तुरंत प्रभाव से शहर, गांव, हर जगह राजस्थान में चले जाएं, लोगों के बीच में रहें, उनकी जो डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं, उनको पूरा हम लोग करें, क्योंकि ये पहला चुनाव नहीं था और ये आखिरी चुनाव नहीं है। आने वाला समय कांग्रेस का हम बनाएंगे, लोगों का मन दोबारा जीतेंगे, जो कमियां उनको ठीक करेंगे, लेकिन हमें अभी से अपना मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा। ये निवेदन मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों से फिर से किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है, तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करें ताकि दोबारा जीत।